नायरा बनर्जी एक तेलुगु एंड मलयालम मूवी की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टीवी सीरियल पिशाचिनी में भी काम किया है, जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और अब ये खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का भी हिस्सा हैं। तो आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे नायरा बनर्जी की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप नायरा बनर्जी के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है मधुरमा बनर्जी और निक नेम है नायरा। प्रोफेशन से एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं। इनका जन्म 14 मई 1987 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 36 ईयर हो चुकी है। आप इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो नायरा ने अपने स्कूल की पढ़ाई कनोशा कन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई परवीन गांधी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ LLB की हुई है। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। नायरा ने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और गज़ल सीखी। इन्होंने कथक डांस भी सीखा और ये कथक डांस में ट्रेंड हैं। वह डायरेक्टर GV अय्यर की रामायण पर आधारित फिल्म से अपने फिल्म शुरुआत करने वाली थी, जिसमें उन्हें सीता की भूमिका निभानी थी, लेकिन डायरेक्टर की अचानक मृत्यु के कारण वह फिल्म आगे नहीं बन पाई। 2007 में फर्स्ट टाइम TV में डेब्यू किया था इन्होंने फिर कोई है से, जिसमें इनका कैरेक्टर सालू का था। वहीं 2009 में फर्स्ट टाइम तेलुगु मूवी में डेब्यू किया था इन्होंने आ ओकाडू से। उसी साल में इन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी में काम किया जिसका नाम था सारा डागू कासेपू में। नायरा ने तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ मलयालम और तमिल जैसी विभिन्न लैंग्वेज की फिल्मों में भी काम किया है। फर्स्ट टाइम कन्नड़ मूवी में डेब्यू किया था इन्होंने सवारी 2 से, जो कि 2014 में आई थी। फर्स्ट टाइम मलयालम फिल्म में डेब्यू किया था इन्होंने कोथारा मूवी से, जो कि 2014 में ही आई थी। और फर्स्ट टाइम तमिल मूवी में डेब्यू किया था इन्होंने अम्बाला मूवी से, जो कि 2015 में आई थी। वहीं फर्स्ट टाइम कन्नड़ TV सीरियल में डेब्यू किया था इन्होंने कदमबारी से। और इन्होंने हिंदी में भी काम किया था 1 9 Stand मूवी में और साथ ही साथ कमाल धमाल मूवी में। और एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने टोनी डिसूजा की फिल्म अजर में भी काम किया और साथ ही साथ ये काफ़ी सारे सीरियल्स में भी काम कर चुकी थी, जिनके नाम हैं दिव्य डेस्टी, एक्सक्यूज मी मैडम, रक्षाबंधन, रसल अपने भाई की ढाल और पिशाचिनी। और अब ये साल 2023 में कलर्स TV की मोस्ट फेमस शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का भी हिस्सा हैं और ये काफ़ी डिफरेंट मैगजीन के कवर पर भी फीचर हो चुकी हैं। नायरा ने 2016 में अपना नाम मधुरमा से चेंज करके नायरा बनर्जी कर लिया था। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम पृथ्वी राज वर्मा है, जो प्रोफेशन से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इनकी मदर का नाम नंदिता एका पूर्णिमा बनर्जी है और एक इनके ब्रदर भी हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं तो ये अनमैरिड हैं और इंटरनेट पर ऐसे रूमर हैं कि ये करण खन्ना को डेट कर रही हैं। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको सिंगिंग एंड डांसिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास कार है मारुति सुजुकी सियाज। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहती हैं। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग 80,000 से लेकर 90,000 रुपये पर एपिसोड चार्ज करते हैं। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए है। तो ये थी नायरा बनर्जी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।